और चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और इसी चुनाव के रोड मैप के लिए चित्रकूट में बीजेपी की 3 दिनों की पाठशाला लगी है। आज 6ठे से 10वें सत्र का आयोजन होना है। केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी। स्वतंत्र देव सिंह सत्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा का भी संबोधन होगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी संबोधित करेंगे। अगर कल की बात करें, आने वाले कल की बात करें, तो 11वां, 12वां, 13वां सत्र कल आयोजित होगा और कल सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अगर बीते हुए कल की बात करें तो कल 5 सत्र आयोजित हुए थे। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, आज भी 5 सत्र होने हैं। जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर योगी जी और संपूर्ण योजना, केवल गरीब को लाभ कैसे मिले, गरीब की खुशहाली कैसे हो, कानून का शासन कैसे हो और गांव गरीब दुखी जो है उसको सम्मान कैसे मिले, चाहे छत के माध्यम से, चाहे दिव्य भव्य कुंभ में पैर धोने के माध्यम से, यानी उस सामाजिक संस्था से लेकर उस गरीब का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सम्मान मिलना। लोग भी उसी प्रशिक्षण वर्ग का हिस्सा बनने के लिए आए हैं और भगवान श्री कामतानाथ स्वामी जी की परिक्रमा भी करके आए हैं। और इस प्रशिक्षण वर्ग में क्या होगा, यह तो प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों को, जिनको यह लगता होगा कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये सब अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और देश के लिए काम करने का अगर कोई संगठन है जो काम कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। तो जिसके मन में राष्ट्रभक्ति का ज्वार होगा वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है। बूथ पर संगठन मजबूत हो इसके लिए प्रशिक्षण शिविर कल से चल रहा है और कल तक चलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी 80 में 75 पहले जीते हैं लेकिन अब 80 का लक्ष्य है, इसलिए ये पूरी कवायद की जा रही है। अच्छा, इस बार क्या लाइन ऑफ एक्शन कुछ चेंज किया गया है, मतलब किस तरह से, किस वोट बैंक पर या विपक्षी पार्टियों के कोर वोट बैंक पर टारगेट करने की स्ट्रेटजी है? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है यथा नाम तथा गुण, भारत में रहने वाली जितनी भी जनता है भारतीय जनता पार्टी उसको अपने से संबद्ध करते हुए राजनीति करती है, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में काम किया जाए। तो देखिए, चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की अगर आज पहले सत्र की बात करें तो सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर खूब चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पदाधिकारियों को संबोधित किया। सोशल मीडिया और मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का ये सत्र 40 मिनट चला। इसमें बताया गया कि पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है और क्या नहीं, इस पर बहुत ध्यान रखा जाए। व्हाट्सएप चैट कॉल पर क्या लिखा जाए खास तौर पर ध्यान रखें। अगर कोई पार्टी या नेताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी करता है तो उसका जवाब बहुत संभल करके देना होगा। बहुत से लोग फेक आईडी बना करके विचार परिवार के लोगों को उकसाते हैं, लेकिन उकसावे में कुछ भी गलत तरीके से जवाब नहीं देना है, संयम से काम लेना है। तो देखिए, सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए किस तरीके से काम करना है, कितना संयम रखना है, ये तमाम चीजें समझाई गई। 40 मिनट का सेशन था पहला और इसमें ये जानकारी दी गई कि सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना और क्या नहीं करना है, तमाम डूज एंड डोंट्स समझाए गए तमाम पदाधिकारियों को। आइए इसकी डिटेल समझते हैं, हमारे सहयोगी रतीश नजर बनाए हुए हैं। रतीश, सोशल मीडिया को लेकर के किस तरीके के और गाइड किया गया और क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही हैं सेशन से? मीडिया का दौर कहा जाता है जिसमें एक ट्वीट या एक फोटो पूरी राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का मादा रखती है। किसी नेता की एक ट्वीट या एक टिप्पणी पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है, बवाल खड़ा होता है। इसी की अहमियत को समझाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जो पदाधिकारी थे उनसे साफ तौर पर कहा कि कई बार ऐसा होता है कि फेक आईडी बना करके आपको उकसाया जाता है, लेकिन उकसावे में नहीं आना है, उसकी विश्वसनीयता को चेक करना है और विश्वसनीयता को चेक करने के बाद ही उस पर रिस्पॉन्ड करना है। और वो अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज लिखता है या आपके आराध्य के बारे में कुछ गलत लिखता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत नहीं है। संयमित भाषा भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है, अनुशासन में रहते हुए उसको उसका पलटवार करना होगा, चुप भी नहीं रहना है लेकिन संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। सोशल मीडिया के दौर में इसकी ताकत को पहचानना होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे की गई टिप्पणी बहुत आगे तक ले जाती है और आगे 2024 है, इसलिए 2024 से पहले सभी नेताओं को
इस बात का भान होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा टूल है और सोशल मीडिया पर आजकल सरकारों को गिराने की भी कोशिश की जाती है। कानपुर हिंसा हो या तमाम जगहों पर प्रदेश में जगहों जनपदों में हिंसा रही हो, उसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा ही अहम रोल रहा। और सरकारों के माध्यम जब सरकार बननी हो और केंद्र की सरकार बननी हो तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को यह समझाने की कोशिश भी की गई कि अपने ट्विटर हैंडल से, इंस्टाग्राम से या फेसबुक पोस्ट पे ऐसी किसी भी टिप्पणी को ना करें जिससे पार्टी का नुकसान हो। बिल्कुल रतीश, आप नजर बना करके रखिएगा। ये तो बात रही एक सेशन को लेकर के जिसमें सोशल मीडिया के बारे में समझाया गया, और भी कई सेशन से कई चीजें निकल करके सामने आएंगी। शुक्रिया रतीश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।